प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुण ने बागेश्वर में जिला योजना समिति की बैठक में बागेश्वर के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन किया है। इस दौरान उन्होंने पशुओं का टीकाकरण के साथ साथ उनका बीमा नहीं कराए जाने पर पशुपालन विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में टीकाकरण के साथ पशुओं का बीमा भी कराया जा रहा है, लेकिन बागेश्वर में ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। सरकार रोजगार परक योजनाओं का विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन में वहां के जनप्रतिनिधियों को भी सूचित करने का निर्देश भी दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिले की विकास योजनाओं की जानकारी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक सुरेश गड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, गोविंद सिंह बिष्ट सहित सभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि मौजूद थे। इस बार जिला योजना की बैठक बहुत लंबे गहन मंथन के साथ परिव्यय तय किया गया है। जो पुराना जब पहले बैठक हुई थी तभी परिव्यय तय किया गया था, उसी परिव्यय के तहत योजनाएं तय की गई हैं और एक एक सदस्य को पूछ के उनकी योजनाओं का निर्धारण किया गया है। और कपकोट विधानसभा, बागेश्वर विधानसभा को आधे आधे भाग में पैसा बांटकर बराबर की योजना देने का काम किया गया है। तो इसलिए माननीय प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण और हमारे पंचायत से लेके क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी लोगों ने गहन मंथन के बाद बहुत सारी योजनाओं को ठीक तरीके से धरातल में उतारने के लिए लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों की आम सहमति से जिला योजना पास हो रही है। आपने एक लंपी वायरस से जो पशु मर रहे हैं उसके मुआवजे की मांग को उठाया था, क्या आपने डिमांड की सर माननीय मंत्री के साथ? विभाग की गलती के कारण से जो चीज़ें अधिकारियों की लापरवाही से स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, तो उससे हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और उनको सख्त कार्रवाई के लिए भी हम लिखने वाले हैं, क्योंकि हमारे दूर दराज के गांव के लोग पशु आधारित क्षेत्र है और उसी पर ही उनकी ज़िंदगी की दिनचर्या चलती है, घर परिवार चलता है। अगर पशु ही मर गया तो उनका बीमा कराना बहुत ज़रूरी था, आवश्यक था। तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि जिसको वैक्सीनेशन किया जाएगा उसका स्वतः ही बीमा हो जाना चाहिए। अभी 23,000 कुछ पशुओं का वैक्सीनेशन किया है, पर लेकिन यहाँ पर जो अधिकारियों की लापरवाही रही है तो उसमें इंश्योरेंस नहीं किया गया, तो इसलिए जिला जो पशु अधिकारी है उनको स्पष्ट निर्देशित किया गया है और उनका जवाब तलब भी किया गया है। किसानों को सर जो उपकरण पिछली बार बांटे थे उसका भुगतान नहीं हुआ, उसको आपने बहुत सख्ती से उठाया था, किस तरह का निर्देश दिया है? ना, जिन लोगों को हमने किसान उपकरण दिए हैं ग्राम प्रधानों के कहने पर, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्यगण और जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी ब्लॉक प्रमुखों के और कहीं पर हमने भी जो संस्तुति किया था, तो उन लोगों ने आज खेती के तौर पर अपने क्षेत्र को आबाद करने के लिए प्रयास किया है और आने वाले दिनों में और भी लोगों की डिमांड बढ़ते जा रही है, तो आज हमने माननीय मंत्री जी के सहयोग से उसका भी निस्तारण करने का काम यहाँ पर किया। देखिए, हमारा फोकस हमेशा से जिला योजना की बैठक में दो रहा है, पहला कि रोजगार के जरिए कैसे बढ़ाए जाएं, कैसे पर्यटन को बढ़ाया जाए और जो बैकलॉग है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, दसियों साल से यहाँ पर बैकलॉग चल रहा था, ऐसे एक साल में हमने लगभग 85% बैकलॉग ख़त्म किया है। 23 करोड़ का बैकलॉग इस योजना से स्वीकृत करने से पहले भी थे, उसको हमने कम करके 6.5 करोड़ पे ले आए हैं। अगली जो जिला योजना की बैठक होगी उसको 0 कर दिया जाएगा। हमने जो पूरा इस वक्त जिला योजना का पर्वे पास किया था, जो योजनाएं इसमें डाली हैं, इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग को, हमारे एजुकेशन विभाग को, हमारे सिंचाई विभाग को, हमारे पशुपालन और हमारे मत्स्य विभाग और हमारा दुग्ध विकास, ये प्राथमिकता से हमने इनको पर्यटन, इन 6-7 चीज़ों पे हमने बहुत प्राथमिकता से काम किया है। उम्मीद यही है कि जिले को रोज़गार से जोड़ा जाए, पर्यटन से जोड़ा जाए और यहाँ पर नए रोज़गार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उस पर हम लोग ने फोकस किया है और सारे जिला पंचायतों की सहमति से
सारे जिला पंचायतों के साथ मिलके पूरा परिवय तय किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो साल होगा जिला योजना के जो हमने पास करे हैं इसको धरातल पे उतारा जाएगा जल्द से जल्द और लोगों को सुविधा दी जाएगी। लंपी वायरस का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें आपने कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद उनका इंश्योरेंस आपने नहीं, देखिए थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा क्योंकि मेरा स्ट्रिक्ट निर्देश है कि जहाँ जहाँ भी वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है वहाँ पे उसके लिए हमको उसका बीमा भी कराना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जो CVO यहाँ पर आए इन्होंने पूरी तैयारी से नहीं आए क्योंकि मुझे अभी मेरे डायरेक्टर प्रेम जी का फ़ोन आया है और उन्होंने बताया है कि इस साल भी 1000 के आसपास बीमा कराए गए हैं लेकिन मैंने उनको फिर भी निर्देश दिया है कि इसको बढ़ा के जल्द से जल्द मैक्सिमम लोगों का बीमा कराया जाए ताकि लंपी में अगर किसी का नुकसान होता है तो उसको कहीं ना कहीं मुआवजे का प्रावधान हो सके। समितियों को बढ़ावा देने के लिए आपने कहा है कि मीटिंग में अधिकारी जी देखिए दुग्ध एनिमल हस्बेंड्री हमारा आंचल दूध का हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग और मछली विभाग ये तीनों बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो सकता है मेरा मानना है। पिछली बार भी जब जिला योजना की बैठक में मैं आया था मैंने अपने दुग्ध वालों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए थे कि नए रूटों पर सर्वे करिए नए किस तरीके से यहाँ पर दूध का प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए उस पर सर्वे किए और मुझे अच्छा लगा इस बार वो तैयारी करके आए हैं। लगभग मुझे बताया गया कि 2000 लीटर के आसपास का जो इन्होंने 9000 लीटर के आसपास दूध बढ़ाने की जो इन्होंने यहाँ पर एक नए रूट खोलने की 15 नए रूट खोलने की बात कही है। उम्मीद करूँगा कि इसको जल्द से जल्द धरातल उतार के और आंचल का प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए। बैठकों में देखिए मेरा खुद का मानना है हर हर विभाग में हर जगह जहाँ बैठक में जाता हूँ मैं यहाँ पे वो बात ज़रूर कहता हूँ कि आंचल हमारा खुद का एक ब्रांड है सरकार का ब्रांड है उत्तराखंड का ब्रांड है और अगर इसको हमारे सरकार के अधिकारी और सरकार के विभाग ही नहीं मानेंगे तो हम पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे। तो हर मीटिंग में आंचल का प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए और कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।